खुलिए तुम भाई। मैं अतुल श्रीवास्तव आप सभी भोजपुरिया समाज को पूरे हिंदुस्तान को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। भाइयों यहाँ हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन है सोनभद्र का। हमारे साथ हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं, तो मिलते हैं इनसे। नमस्कार, मैं रिमशी झारखंड से। हम सोनभद्र में एक हॉरर मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की झरने, लोकेशन इतने खूबसूरत है, इतने बेहतरीन है, इतने अच्छे हैं कि उनके बारे में तो जवाब ही नहीं है। इस बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इस धरती पे हमारे बहुत सारे एक क्या बोलते हैं प्राकृतिक दृश्य कह सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक दृश्य फिल्म के लिए बहुत ही जबरदस्त है। लोरिक का जन्म हुआ है इधर। हाँ। और मैं एक और खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई लोग बहुत सारे लोग जो अनजान होंगे इस बात से, यहाँ एक फासिस पार्क है जो अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा है। और यहाँ के पार्क में जो पत्थर है वहाँ पे, उस पत्थर में जीवाश्म पाए जाते हैं। 50 देश के वैज्ञानिक यहाँ के खोजबीन कर चुके हैं और बहुत खूबसूरत नजारा है। मिलते हैं इनसे। नमस्कार, मैं रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र के रहने वाले हैं। हम जो है फिल्म एक्टिंग भी करते हैं और डायरेक्शन भी करते हैं, और खास तौर पे जो है सोनभद्र की बातें हम करेंगे। सोनभद्र के लोकेशन बहुत जबरदस्त है जो कि फिल्म की शूटिंग करने लायक है। हम तो यही चाहते हैं कि सोनभद्र के लोकेशन को लेकर के बॉम्बे से भी जो है फिल्म प्रोडक्शन आए, और यहाँ का जो है एक बार अगर आप लोकेशन देख लेंगे तो आप यहाँ पे दोबारा जो है जरूर फिल्म शूट करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है पूरे विश्व में सोनभद्र प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए जो है फेमस है। यहाँ पे आदिमानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम पाई जाती है। आइए आप सतीश जी से मिलते हैं, आप बताएं। नमस्कार, मैं सतीश सोनकर। आप सबके नमस्कार करे तानी, और हम सब एक जगह इकट्ठा भेल बानी फिल्म भोजपुरी फिल्म खातिर। हाँ, भोजपुरी फिल्म खातिर जे बहुत ही सुंदर वातावरण में हम सबके शूटिंग करे आयल बानी जा। हमरा साथे बहुत ही मजा आगा, और हमने के साथे बने हमारे भाई पंकज सिंह। पंकज सिंह जी, पंकज जी बताया। नमस्कार सब भोजपुरी भाई लोगन के, बहुत खूबसूरत लोकेशन में सोनभद्र के, और हमने के भाई लोग सब बताइए कोई तो आप लोग यहाँ आके शूटिंग भी कर सके नी, और यहाँ के मतलब प्राकृतिक जो भी है ओकर लुक भी उठा सके नी। ऐतिहासिक जगह हमारे हीरोइन कह दिली भैया, ध्यान सुनने लगी। एक बात दादी, हमने के को फिल्म बाग साथ साथ में हमनियों के जो फिल्म बनाओ तनी जा ओके भी देखा। हाँ, और हमने के को फिल्म आओ था ससुराल धोखे बाज, और एगो पंकज भाई बड़े हैं हमारे, बहुत बढ़िया कलाकार है, इनका फिल्म होता डीजे। सस्वाद होके बाद डीजे का प्रमोशन प्रचार यही बेरा होता। हाँ, तो ध्यान से देख लो। आपके सामने देखिए बबलू जी हैं, बबलू जी से मिलिए। बबलू भाई सबके नमस्कार, प्रणाम, सलाम बा। और ससुरा धोखेबाज के दोनों हीरो सामने डीजे ससुरा धोखेबाज के विलेन हैं, पूरा टीम है। और ये सोन भाई, जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरी।